तो बहुत अच्छी लगी, अच्छी लगी ना, प्यारी पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, कॉमेडी पिक्चर है, पैसा वसूल है। फिल्म में सबसे अच्छा काम आपको किसका लगा? सबसे अच्छा काम मुझे एक्टिंग वाइज और कॉमिक टाइमिंग के हिसाब से सुरेश मिश्रा है ना, सुरेश मिश्रा उसका काम बहुत अच्छा लगा। उसकी टाइमिंग्स बहुत अच्छी है, उसकी डायलॉग डिलीवरी हमेशा बहुत अच्छी होती है, और सोनाक्षी सिन्हा का आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। माधुरी दीक्षित, माधुरी और अनिल बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों। जय महाराष्ट्र, दोनों अच्छे हैं, ठीक है, अच्छी पहले से ही बहुत अच्छी है, अच्छी लग रहे थे दोनों। कॉमेडी बेटर थी, कॉमेडी बेटर थी। स्टोरी तो एक्चुअली इतनी नहीं, देखा जाए तो टॉपिक जो था उस पर जो कॉमेडी उन लोगों ने फिट बिठाई है वो बहुत अच्छी लग रही थी। ओके ओके ओके, 5 में से 4, एक कहाँ कट गया हो गया जी सर, 4। थैंक यू वेरी मच। टोटल धमाल तो बहुत अच्छी है, बहुत एंटरटेनिंग और फन मूवी है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी लगी? सबसे बेस्ट वेल देखा जाए तो सबसे बेस्ट अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का, बिकॉज और उन्हें कहीं ना कहीं 18 सालों के बाद बड़े पर्दे पर देखा जा रहा है, तो लोग वेट कर रहे थे, वो दोनों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दोनों की केमिस्ट्री तो काफ़ी अच्छी, लेकिन कॉमेडी की बात करें तो सबसे बेस्ट कॉमेडियन कौन? कॉमेडी की बात की जाए धमाल ने इतना धमाल नहीं मचाया, बिकॉज पार्ट वन ज़्यादा बेटर था, पार्ट टू भी ठीक था, बट इस मूवी से लोगों को जितनी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन जितना कर रहे थे, बीच बीच में कहीं ना कहीं मूवी बहुत बोर लगा, और वही मतलब एक ही स्टोरी था कि पैसे के पीछे भागते हैं और सेम थी, तो फिर कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। अजय देवगन तो ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, उनकी तो हर एक मूवी बहुत अच्छी होती है, वो उनकी इतनी अच्छी स्टारडम, इतनी फैन फॉलोइंग है, वो जो भी करते हैं, उन्होंने जैसा भी रोल दे जाता है वो तो सूट ही करता है उन्हें। जैसे केमिस्ट्री की बात की, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर साथ में है, फिर अजय देवगन के साथ में संजय मिश्रा है, इसमें अरशद वारसी और जावेद जाफरी की केमिस्ट्री, उनकी भी अच्छी थी, बिकॉज वो ऑलमोस्ट वो ऑलरेडी वो एंटरटेनिंग के लिए ही जान जाते, तो वो जब भी जो भी एक्ट करते हैं वो जैसे एक्ट करते ना कि उससे आपको हंसी आ ही जाती है, तो उनकी एक्टिंग तो ओवरऑल बहुत अच्छी थी। फिल्म को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो क्या होगा वो वर्ड? एंटरटेनिंग। कितने स्टार देंगे? 3.5। बहुत अच्छी है, टोटल धमाल इज टोटल एंटरटेनमेंट एंड टोटल पैसा वसूल मूवी। बहुत टाइम से हम लोग अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जी की मूवी के लिए वेट कर रहे हैं, एंड ही हैड टू वेट फॉर 18 ईयर्स, और फाइनली ये मूवी आ गई और बहुत मज़ा आया देख के। बेस्ट परफॉर्मर कौन था? बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हैं मूवी में जिनको कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है, जैसे अजय देवगन, संजय मिश्रा, जॉनी लीवर, रितेश देशमुख, सभी के किरदार बहुत अच्छे हैं, और गैग्स पे गैग्स, जोक्स पे जोक्स, जो एंड तक ऑडियंस को एंटरटेन लगते हैं। और सबसे बेहतरीन ये चीज़ का है कि यू नो एडिटिंग, कि जरा भी ड्रैग नहीं किया, 2 घंटे की मूवी है, तो लोग बहुत लो हंस के लोटपोट हो रहे थे, हाउसफुल शो था एंड एवरीबडी वॉज एंटरटेन्ड। नहीं, लेकिन लोग फिर इतना मतलब यू नो लोगों का रिएक्शन से ही पता चला था कि लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं मूवी, और सबसे बड़ा यू नो ये मूवी का प्लस पॉइंट है माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर, जिनको एक साथ देखा तो उनकी नोकझोंक दिखाई है हस्बैंड वाइफ की, तो वो बहुत अच्छे सीन से जिन भी फ्रेम में आए वो दोनों। आपको ऐसा लगता है कि अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी से बड़े स्टार जी के सामने जो छोटे एक्टर्स हैं जी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा जी, जॉनी लीवर जी, नहीं नहीं सब ने बहुत अच्छा किरदार निभाया, इट्स अ मल्टी स्टार है, छोटे एक्टर हों या बड़े स्टार्स हों, यही एक खूबी है इंद्र कुमार की मूवीज़ में, यू नो जितनी भी मूवीज़ उन्हें बनाई, इश्क में भी मल्टी स्टारर थी, लेकिन हर एक कैरेक्टर को वो इतने अच्छे से यू नो इंट्रोड्यूस करते हैं और थ्रू आउट द मूवी बहुत एंटरटेन करते हैं, तो यही उनकी खासियत है। और लाइक ए सेट की जिन मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं मूवी में सबको उन्होंने संजो के बहुत अच्छी मूवी बनाई है। फैबुलस, बहुत अच्छी है, एंड अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग फॉर अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग माधुरी दीक्षित फैन, तो बहुत अच्छा लगा उन्हें एक बार फिर देख के, ऐसे लगते ही नहीं कि वो इतने सालों के बाद आए हैं, ऐसे लगता है कि 4 स्टार्स एंड 1 एक्स्ट्रा स्टार फॉर माधुरी दीक्षित। थैंक यू। इतना कुछ खास नहीं लगा। बेस्ट परफॉर्मेंस अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित एंड जावेद जाफरी, तीनों की बेस्ट परफॉर्मेंस थी।
भारतीया एक्चुअली नहीं सी द थिंग इज कि वही किसी पीटी प्लॉट है कि एक मर गया फिर सब लोग पैसा ढूंढने गए फिर लालच बूढ़ी वाला है वो मैसेज मतलब वही सेम था. देर वॉज नथिंग ओरिजिनल इन द फिल्म. कुछ खास ओरिजिनल था नहीं फिल्म में तो वही देख के कुछ मज़ा नहीं आ रहा था फिल्म में. तो कॉमेडी वाइज मुझे पर्सनली कॉमिक टाइमिंग अच्छी लगी अरशद वारसी और जावेद जाफरी की. उन दोनों की जो केमिस्ट्री मतलब वो पार्ट वन से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है और अजय देवगन वॉज ऑल्सो गुड. तो उनकी जो थी मतलब वही था डायरेक्शन वॉज सॉन्ग्स वॉज एवरेज 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 थी. इंटरटेनिंग मुझे पर्सनली इंटरटेनिंग को ज़्यादा लगा नहीं बट हाँ इट्स लाइक कुछ कुछ सीन्स थे कॉमेडी थे जो कि स्टार्टिंग का सीन था. स्टार्टिंग का सीन मुझे पर्सनली अच्छा लगा और बीच बीच में वो झड़ने वाला सीन वगैरह तो बीच बीच में इट वॉज गुड बट ओवर द ऑल इट वॉज नॉट ग्रेट. इट्स गुड इन सम पार्ट्स. इट्स हाँ पार्ट वन आप टीवी में जब देखोगे जितनी बार भी देखोगे आपको हंसी आ जाएगी. आप फैमिली के साथ देख सकते हो जितनी बार देख सकते हो आपको हंसी आएगी बट पार्ट थ्री वॉज नॉट ग्रेट. मतलब मुझे एक ही चीज़ अच्छा लगा वो है सिनेमाटोग्राफी एक्टिंग और वन लाइन पंचेस जो थे थोड़े बहुत. बाकी ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि पर्सनली अजय देवगन का भी काम मुझे अच्छा लगा. अजय देवगन का जो पर्सनालिटी है वो मुझे फिल्म में काफ़ी अच्छा लगा. हिज लुक इन द फिल्म वाज रियली गुड. मतलब अजय देवगन ने काम अच्छा किया नो डाउट अबाउट इट. अवॉइडेबल या मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको देखना ही चाहिए फिल्म. स्किप भी कर तो ज़रूरी नहीं है स्किप कर सकते हो फिल्म. 2.5